आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, दो पॉइंट मासेज हैं, बॉडीज नहीं है, बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तो निकालना भी सीखा ही नहीं, वो तो नेक्स्ट लेक्चर है। दो पॉइंट मासेज हैं, 1 kg और 2 kg। 1 kg का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, 2.4 ये x1 y1 है, और दूसरा मास m2 2 kg है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्या निकालना है? पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बन जाएगा m1, ये बन जाएगा m2, ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2, और फिर फॉर्मूले में पुट कर देना, x सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, ऐसी m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2 आंसर। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के तो इस फॉर्मूले में m1 x1 m2 x2 ये सब पुट करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सब कुछ तो दे दिया उसने, m1 m2 x1 y1 x2 y2। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर मान लो आपके पास दो मासेज हैं, 1 kg और 2 kg, फिर से आपको m1 m2 दे दिया, इस बार कोऑर्डिनेट देने की बजाय आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर दे दिया, ठीक, और आपसे क्या पूछ लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन वेक्टर में करना है, वेक्टर में ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया, आर पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। तो आप m1 की जगह पुट करें m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m1 प्लस m2। न्यूमिनेटर को ओपन कर लें, आई वाली टर्म आई में, जे वाली जे में, के वाली के में, आंसर ये ऑप्शन मार्क करना है। तो ईजी है एकदम लगाना, समझ में आ रहा है? अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर पोजीशन वेक्टर आ गया तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है समझ में आता है? ठीक,